आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लॉयड स्प्लिट एसी में जितने भी एरर कोड आते हैं E1, E2, E3, E5, E6 जितने भी एरर आते हैं लॉयड स्प्लिट एयर कंडीशनर में आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। आज स्टेप बाय स्टेप हम बात करने वाले हैं कि कौन से फॉल्ट के कारण कौन सा एरर आता है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक अमरीश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए से यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो चलिए प्रैक्टिकली हम सीखते हैं कि कौन सा एरर कौन से फॉल्ट के कारण आता है, वीडियो को कंप्लीट देखते रहिए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं एरर E1 कंप्लीट 1x1 करके एक एक एरर की बात करने वाले हैं लॉयड स्प्लिट एयर कंडीशनर का। जितने भी एरर आते हैं एक एक 1x1 करके हम बात करेंगे कौन से फॉल्ट के कारण एरर आता है। सबसे पहला एरर E1, इसका क्या फॉल्ट होता है? तो देखिए, इसका फॉल्ट हमने डिस्प्ले पर दर्शाया हुआ है, इंडोर पीसीबी फॉल्ट। अब इस फॉल्ट में पीसीबी में कौन कौन से फॉल्ट हो, या तो हो सकता है कि उसमें रिले ख़राब हो, या तो पीसीबी बोर्ड में कुछ और ख़राब हो सकता है, या फिर उसमें मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो, एरर E1 आ रहा है तो सीधा आपको टारगेट करना है इंडोर के पीसीबी में। पीसीबी में कोई भी फॉल्ट हो सकता है, चाहे वो रिले का हो या फिर कोई और फॉल्ट हो, पीसीबी का ही फॉल्ट हो सकता है अगर E1 एरर आ रहा है तो। लॉयड स्प्लिट एयर कंडीशनर, सिर्फ मैं एक एयर कंडीशनर की बात कर रहा हूँ, लॉयड स्प्लिट एयर कंडीशनर की। नेक्स्ट हम बात करते हैं एरर E2, इसमें क्या फॉल्ट होता है? देखिए, वोल्टेज अप डाउन कहीं कहीं ऐसे जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं या फिर कहीं और भी होते हैं जहाँ पर स्टेबलाइजर का यूज किया जाता है, वैसे तो गल्फ कंट्री में कहीं भी स्टेबलाइजर का यूज नहीं किया जाता है, जैसे हो गया सऊदी अरेबिया या फिर दुबई हो गया या फिर बहरीन हो गया, यहाँ पर स्टेबलाइजर का यूज नहीं किया जाता है। डायरेक्ट कोई भी एयर कंडीशनर हो डायरेक्ट चलाया जाता है, क्योंकि वहाँ का वोल्टेज मेंटेन रहता है। लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में कहीं कहीं ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जहाँ पर वोल्टेज अप डाउन होता रहता है। वैसे तो एयर कंडीशनर को चलाने के लिए 220 का करंट चाहिए होता है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होता है ग्रामीण क्षेत्र में या फिर किसी सिटी में ऐसे जहां पर क्या होता है 190 वोल्ट से लेकर के 220 वोल्ट तक या फिर 250 वोल्ट तक, कहीं ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जहां पर 250 वोल्ट से ऊपर भी होता है। तो यहां पर अगर वोल्टेज कम भी होगा तो भी E2 एरर दिखाएगा, या फिर अगर वोल्टेज हाई होगा तो भी वहाँ पर E2 एरर दिखाएगा। यहाँ पर वोल्टेज अप डाउन को दिखाया गया है, अगर एरर E2 आ रहा है, ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा हूँ, जो कंपनी ने मैन्युफैक्चर किया है लॉयड स्प्लिट एयर कंडीशनर का वहाँ पर दर्शाया गया है। जितने भी एरर मैं बता रहा हूँ मैं अपने पास से अपने माइंड से नहीं बता रहा हूँ। नेक्स्ट हम एरर की बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं एरर E3 का प्रॉब्लम क्यों आता है, ये फॉल्ट क्यों आता है, एरर क्यों दिखाया जाता है E3। यहाँ पर दर्शाया गया है इंडोर ब्लोअर मोटर फॉल्टी। अब देखिए, ब्लोअर मोटर में फॉल्टी क्या क्या हो सकता है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट मोटर ही ख़राब हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मोटर में अगर उसका बैरिंग होता है, ज़्यादातर देखिए इंडोर में मोटर जो भी ख़राब होते हैं ज़्यादातर उसके बैरिंग ही जाते हैं, बैरिंग ख़राब होता है इंडोर का। इंडोर मोटर जब भी ख़राब होता है उसका बैरिंग ज़्यादातर, जितना मैं आज तक रिपेयर किया हूँ सिर्फ बैरिंग ही ख़राब होता है मोटर का। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मोटर जल भी जाता है और उसके थिम्बल जो लगे हों, जो मोटर का जो पिन लगा हुआ है पीसीबी के अंदर, वो पीसीबी वहाँ से पिन भी ढीला हो जाता है कभी कभी। लेकिन अधिकतर ऐसा ही होता है कि उसके बैरिंग ख़राब होते हैं या फिर कैपेसिटर डाउन होते हैं, अगर ओल्ड हो गया है, बहुत पुराना हो गया है एयर कंडीशनर। तो वैसे तो दो साल चार साल पाँच साल में तो कैपेसिटर ख़राब नहीं होता है, कैपेसिटर वीक नहीं होता है, लेकिन अगर लंबे समय तक चल रहा है 10 साल या फिर 15 साल हो गए हैं तो इतना लंबा चलने के बाद हो सकता है कैपेसिटर कमज़ोर हो, लेकिन बैरिंग तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है। अगर एक महीने के अंदर अगर स्प्लिट एयर कंडीशनर इंस्टॉल हुआ है, एक महीने के अंदर भी ख़राब हो सकता है बैरिंग मोटर का, या फिर मोटर भी जल सकता है, लेकिन कैपेसिटर इतने जल्दी ख़राब नहीं होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट एरर E5
इसका क्या प्रॉब्लम है, ये एरर क्यों दिखाया जाता है। यह एरर इंडोर रूम टेम्परेचर सेंसर प्रॉब्लम के कारण होता है। रूम टेम्परेचर सेंसर देखिए होता कभी कभी कि स्प्लिट एयर कंडीशनर को रिमोट से हम स्टार्ट करते हैं लेकिन आउटडोर स्टार्ट होते ही तुरंत बंद हो जाता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आउटडोर स्टार्ट ही नहीं होता है, और कभी कभी ऐसा भी होता है। देखिए अलग अलग तरह के फॉल्ट उसी में होते हैं, रूम टेम्परेचर सेंसर जो भी होता है। ऑलरेडी इस पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो आई बटन फ्लैश हो रहा है या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कि सेंसर अगर ख़राब होता है तो उससे क्या क्या फॉल्ट हो सकते हैं स्प्लिट एयर कंडीशनर में। इसमें भी मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि स्प्लिट एयर कंडीशनर में अगर सेंसर ख़राब है तो उसमें क्या होगा, रिमोट जो टेम्परेचर पर हम एयर कंडीशनर को सेट करते हैं वहाँ पर क्या होता है कि उस टेम्परेचर पर वर्क नहीं करता है, लंबे समय तक कंप्रेसर चलता रहता है। अगर मानिए कि हम 16 पे टेम्परेचर रखते हैं, अगर 16 पे हमने टेम्परेचर को रखा है तो वहाँ पर लंबे समय तक तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि हमने 16 पर रखा है। जब तक रूम का टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो जाता है तब तक स्प्लिट एयर कंडीशनर चलता रहेगा, कंप्रेसर चलता रहेगा। लेकिन जो ही उस टेम्परेचर पर 16 के टेम्परेचर पर रूम का टेम्परेचर 16 पर पहुंच जाता है तो आउटडोर सिस्टम बंद हो जाता है, कंप्रेसर बंद हो जाता है, क्योंकि सेंसर सिग्नल भेजता है आउटडोर को और आउटडोर बंद हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि सेंसर अगर निकाल दिया जाए तो वहाँ पर एरर तुरंत दिखाने लगेगा, 5 मिनट या फिर 10 मिनट में तुरंत, क्योंकि सप्लाई जब आउटडोर को नहीं दे पाएगा। अगर सेंसर थोड़ी देर आप कभी भी चेक करना चाहें सेंसर ख़राब है कि नहीं, तो सेंसर निकाल करके आप फिर वो निकाल दें थोड़ी देर, फिर एयर कंडीशनर सिस्टम को चलाएँ तो वहाँ पर देखेंगे आप जब जितनी देर में आउटडोर को सप्लाई देता है उतनी देर चलेगा, जब आउटडोर को सप्लाई देना होगा नहीं दे पाएगा आउटडोर को सप्लाई तो वहीं पर तुरंत एरर दिखा देगा। तो वहां पर E5 का एरर अगर दिखा रहा है तो इंडोर रूम टेम्परेचर सेंसर को टारगेट करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट फॉल्ट हमारा एरर E6 क्यों आता है। अब देखिए उसमें इंडोर में 2 सेंसर होते हैं, मैं यहाँ पर दोनों सेंसर दिखा रहा हूँ, लेकिन पहले जो E5 का एरर दिखाया हूँ वो हमारा होता है रूम टेम्परेचर सेंसर है। एक कॉइल सेंसर में आप देख सकते हैं ये पीले कलर का एक धातु लगा होता है, कॉपर का धातु लगा होता है, ये होता है हमारा कॉइल सेंसर। और जिसमें धातु कॉपर का पाइप जिसमें नहीं लगा हुआ है सेंसर में, ये सेंसर हमारा होता है रूम टेम्परेचर सेंसर। ये जो कॉइल सेंसर होता है वो कॉपर पाइप के जो हमारा इंडोर है, इंडोर के कूलिंग कॉइल के पाइप के साथ में साइड में एक साइड में जिधर पीसीबी होता है उसी साइड में ऊपर किसी पाइप में लगाया जाता है, ये होता है कॉइल सेंसर। अगर कॉइल सेंसर ख़राब हो जाता है तो फिर वहाँ पर E6 का एरर दिखाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं अपने पास से मैं बताना चाहूँगा, अपना एक्सपीरियंस मैं शेयर करना चाहूँगा आपके साथ में। अगर कोई भी सेंसर यहाँ पर फाल्टी है तो आपको बारी बारी से दोनों सेंसर चेक कर लेने हैं। कुछ स्प्लिट एयर कंडीशनर ऐसे भी होते हैं जो कि दोनों सेंसर एक साथ में लगे होते हैं, एक ही पिन के अंदर लगे होते हैं। कुछ स्प्लिट एयर कंडीशनर ऐसे होते हैं जिनमें कॉइल सेंसर और रूम टेम्परेचर सेंसर अलग अलग पिन में लगाए जाते हैं, अलग अलग होते हैं। अगर रूम टेम्परेचर सेंसर अगर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, या फिर कॉइल सेंसर चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन कुछ स्प्लिट एयर कंडीशनर ऐसे भी होते हैं कि जिसमें दोनों सेंसर एक ही पिन में लगाए जाते हैं, वहाँ पर अगर कोई भी सेंसर ख़राब होता है, चाहे रूम टेम्परेचर सेंसर ख़राब हो या फिर कॉइल सेंसर ख़राब हो, दोनों सेंसर को चेंज करना पड़ता है क्योंकि एक ही पिन में होता है। तो जब भी आप चेक कर रहे हों तो दोनों सेंसर को बारी बारी से चेक कर लें, अगर आप सेंसर चेक कर रहे हैं तो। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट है एरर E7 का एरर क्यों दिखाया जाता है। इसमें देखिए हमने रूम टेम्परेचर सेंसर और कॉइल सेंसर इंडोर का हमने बताया है, लेकिन इसके बाद हमारा है एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर जो कि आउटडोर के कंडेंसर कॉइल में लगा होता है। जो कंडेंसर हमारा होता है आउटडोर का, जहाँ पे कंप्रेसर लगा होता है उसी पाइप में, किसी भी पाइप में एक एम्बेड टेम्परेचर सेंसर लगाया जाता है जो कि हीटिंग के लिए होता है।
तो ये अगर ख़राब होता है तो E7 का इरर दिखाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा आपके आप लोगों के साथ में। कभी कभी एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर ख़राब नहीं होता है तो भी काम करना बंद कर देता है। क्योंकि क्या प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हम अक्सर आउटडोर को पानी से धोते रहते हैं। जब हम पानी से आउटडोर को धोते हैं, कंडेंसर को हम पानी से धोते हैं, पूरे आउटडोर को फैन हम पानी से धोते हैं जब सर्विस कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी सेंसर में पानी चला जाता है। सेंसर एक प्लास्टिक का एक थैला जैसे होता है, उसी में लगा करके प्लास्टिक का कैप होता है, कैप में सेंसर को डाल दिया जाता है। उसी कैप के अंदर जब पानी घुस जाता है तो आउटडोर सेंसर काम करना बंद कर देता है। तो वहाँ पर क्या करें कि चेंज करने से पहले आप एक बार एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर को एक बार साफ़ करके, पानी जो है उसमें पानी को साफ़ करके आप फिर से लगा करके देखें, चल जाए तो ठीक है। क्योंकि जितना भी आज तक मैंने देखा हूँ, बहुत सारे ऐसे एयर कंडीशन सिस्टम होते हैं जिनमें मैं पानी साफ़ करके ही चला दिया हूँ, एम्बिएंट टेम्परेचर सेंसर वहाँ पर चलने लगा है। तो इसलिए चेंज करने से पहले आप एक बार साफ़ करके देख लें, 5 मिनट का समय लगेगा। उसके बाद अगर ख़राब होता है, देखिए सेंसर ख़राब कब होता है, सेंसर ऐसा नहीं होता है कि वो जल जाता है या फिर ऐसा होता है, ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन सेंसर कट जाता है तभी उसे ख़राब माना जाता है, उसे निकाल कर फेंकना पड़ता है। अगर कट जाता है तो नेक्स्ट ईरर की हम बात करते हैं। नेक्स्ट ईरर है हमारा E9। ईरर E9 क्यों दिखाया जाता है डिस्प्ले में, ये होता है कम्युनिकेशन वायरिंग फॉल्ट। कम्युनिकेशन वायर जो आउटडोर से लेकर के इंडोर को जोड़ता है, उस वायर में अगर फॉल्टी होता है तो ईरर E9 दिखाता है वहाँ पर। अब ईरर E9 देखिए वहाँ पर कम्युनिकेशन वायर में क्या फॉल्ट हो सकता है। अब देखिए कम्युनिकेशन वायर कैसे करते हैं, कैसे वायरिंग कैसे करते हैं। कम्युनिकेशन वायर जो होता है कि नंबरिंग होता है उसमें L1, L2, 1, 2, 3, इस तरह से नंबरिंग होता है। सेम जिस तरह से आप इंडोर में दे रहे हैं उसी तरह से सेम आउटडोर में भी बना होता है। L1, L2, 1, 2, 3 इस तरह से बनाया जाता है, नंबरिंग दिया जाता है जो भी नंबर हो। कुछ अलग अलग कंपनियां एयर कंडीशनर में अलग अलग नंबरिंग करती हैं, कुछ में SHT ऐसे इस तरह से देती हैं, कुछ में 1, 2, 3 L1, L2 इस तरह से देती हैं। लेकिन जो सेम वायर आपने इंडोर में दिया है वही सेम वायर आपको आउटडोर में भी देना है। ऐसा नहीं कि ब्लैक कलर का वायर आपने 1 में दिया है और बाहर आउटडोर में ब्लैक कलर का वायर आपने 2 नंबर में दे दिया, या फिर सफ़ेद कलर का वायर आपने 1 नंबर में दे दिया और ऊपर आउटडोर के पास आपने सफ़ेद कलर का वायर 3 नंबर में दे दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। सेम जिस तरह से वायरिंग अंदर करनी है उसी तरह से वायरिंग आपको बाहर भी करनी है। नेक्स्ट ईरर की हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा ईरर EC, यह क्यों आता है, ईरर इस तरह का क्यों आता है। इसमें देखिए रेफ्रिजरेंट लो आर ओवर चार्जिंग, अगर रेफ्रिजरेंट कम है सिस्टम में तो भी EC दिखाएगा, ईरर EC। अगर रेफ्रिजरेंट कम है, कभी कभी होता है कि स्प्लिट एयर कंडीशनर में रेफ्रिजरेंट गैस कम हो जाता है तो भी EC वहाँ पर दिखाता है। क्योंकि होता क्या है कि जब गैस कम होता है तो कंप्रेसर हीटअप हो करके बंद हो जाता है, तो वहाँ पर सिस्टम वहाँ पर बताता है कि इसमें गैस कम हो गया है, तो वहाँ पर EC। देखिए मैन्युफैक्चर इस तरह से किया जाता है, उसमें इस तरह से मशीनरी बैठाया जाता है PCB के अंदर कि जो भी ईरर आता है उसका ईरर कोड डिस्प्ले पर दिखा देता है, इसलिए वहाँ पर ईरर EC आता है। अगर रेफ्रिजरेंट कम है तो भी दिखाएगा EC, अगर रेफ्रिजरेंट ज़्यादा चार्ज हो गया, अधिक चार्ज हो गया है तो भी वहाँ पर EC दिखाएगा। तो मुझे लगता है कि आपके समझ में आ गया होगा कि एयर कंडीशनर में जितने भी ईरर आते हैं कौन से फॉल्ट के कारण आते हैं। तो अगर फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया हो तो बेझिझक मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने के लिए पूरी की पूरी कोशिश करूँगा। क्योंकि जितने भी कमेंट आते हैं मैं उसका आंसर वीडियो के माध्यम से देता हूं। आप मुझे जो भी क्वेश्चन हो, जो भी आपके दिमाग में हो, आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हैं।
तो अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और दोस्तों लास्ट में मैं फिर से बताना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक अमरीश 11 टेक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए हमेशा यूजफुल वीडियो हमेशा लेकर के आते रहते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो था आज के लिए, बस इतना ही था। अगले वीडियो में फिर जल्दी मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।